गुड मॉर्निंग बेबी, कहीं तुमने मुझे बहुत ज्यादा मिस तो नहीं किया? मुक्ता ने मिहिर से सवाल करते हुए कहा। अब तक मुक्ता मिहिर के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए जब उसने देखा कि मिहिर ने उसे कॉल किया था, वो बहुत हैप्पी फील करने लगी। ऑफ कोर्स बेबी, मैं तो सपनों में भी तुम्हें ही देख रहा था, मिहिर ने मुक्ता की बात पर कहा। उसकी कही इस बात को सुनकर मुक्ता अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और खिलखिलाकर हंसने लगी। दरवाजे के बाहर मुक्ता की हंसी को सुनकर वरुण के दिमाग में प्लान चलने लगा। पता नहीं कि ये मुक्कू अपनी ऐसी शक्ल के साथ लड़के कैसे पटा रही है, लेकिन अब इसका असली चेहरा तो मैं माँ और दादी के सामने ला कर ही रहूंगा, वरुण ने डेस्परेटली सोचा। मुक्ता को हंसते हुए सुनकर मिहिर ने उससे कहा, बेबी हम लाइब्रेरी में मिल रहे हैं, राइट? तुम्हें जल्दी में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम आराम से आओ। मिहिर का अपने लिए इतना केयरिंग होना मुक्ता को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो तो मिहिर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए उसने मिहिर की बात को रिफ्यूज करते हुए कहा, नहीं आराम वगैरह कुछ नहीं, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच रही हूँ। वरुण ने जब आधे घंटे में सुना तो उसकी आंखें चमकने लगी। अब देखता हूँ कि ये कहाँ जा रही है, पिछली बार मैंने माँ और दादी को बता दिया था और किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं पहले जाकर सबूत ढूंढूंगा और फिर इस मुक्को का पर्दाफाश करूंगा। वरुण ने मुक्ता को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाते हुए दिल ही दिल में कहा। वरुण के वहाँ होने की बात से अनजान मुक्ता ने जब फोन की दूसरी तरफ से मिहिर की हामी को सुना, वो कॉलेज की लाइब्रेरी में पहुँचने के लिए एक्साइटेड हो गई। ओके बेबी, मैं जल्द से जल्द पहुँचती हूँ, बाय, मुक्ता ने मिहिर से कहा और कॉल काट दिया। माँ सच कहती है, अगर मुश्किल के वक्त में भी हमारे करीबी लोग हमारे साथ होते हैं तो सब कुछ अपने आप ही आसान हो जाता है। इस डिटेंशन की वजह से हम सब फ्रेंड्स एक साथ हैं, तो ये पनिशमेंट किसी ग्रुप एक्टिविटी की तरह मजेदार लग रही है, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। मुक्ता ने अपना बैग पकड़ा और कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला मुक्ता दंग रह गई। भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं इन्होंने मुझे मिहिर से बात करते हुए सुन तो नहीं लिया। एकदम से मुक्ता के दिल में घबराहट पैदा हो गई थी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वरुण की तरफ देखकर बोली, भाई आप यहाँ, कुछ चाहिए था क्या? मुक्ता ने जिस तरह ये सवाल पूछा था, वरुण को ये समझना आसान सी बात थी कि उसकी छोटी बहन कितनी डर गई थी, लेकिन आज वो हमेशा की तरह अपना मुंह खोलकर बात नहीं बिगाड़ना चाहता था, इसलिए उसने नॉर्मल बिहेव करते हुए मुक्ता से कहा, नहीं मैं तो बस तुमसे ये पूछने के लिए आया था कि मैं क्या तुम्हें कॉलेज में छोड़ दूं। वरुण के इस सवाल से मुक्ता थोड़ी सी शॉक थी, उसने कभी भी वरुण को इतना नाइसली बिहेव करते हुए नहीं देखा था। अगर ऑटो पकड़ कर जाऊंगी तो मुझे लेट हो जाएगा, तो भाई के साथ ही चली जाती हूँ, लेकिन फिर मेकअप रिमूव करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। जाने दो, मैं ऑटो से ही चली जाती हूँ, मुक्ता ने वरुण के ऑफर के बारे में सोचते हुए कहा। जब उसने देखा कि वरुण अभी भी जवाब की उम्मीद में इसे देख रहा था, मुक्ता ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू भाई, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। वरुण ने मुक्ता की बात पर हामी भर दी और उसे देखते हुए मन ही मन में बोला, मेरे साथ कैसे जाओगे, तुम्हें तो बाहर किसी लड़के को मिलना है, लेकिन खुद को इतना भी स्मार्ट मत समझना, बस एक बार तुम्हें उस लड़के के साथ पकड़ लूं, फिर देखता हूं कि तुम क्या करती हो। मुक्ता ने अपना बैग लिया और घर से निकल गई। आगे वाली गली में जाते ही मुक्ता को ऑटो मिल गया था। भैया RRSV कॉलेज चलना, मुक्ता ने ऑटो वाले से कहा और अंदर बैठ गई। जैसे ही वो ऑटो निकलने लगा, वरुण ने अपनी बाइक से उसका पीछा करना शुरू किया। मुक्ता ने अपने बैग से मेकअप रिमूवर निकाला, लेकिन जैसे ही वो टिश्यू से अपना मेकअप पोंछने वाली थी, उसका फोन बजने लगा।
मुक्ता ने देखा कि ये शर्मा अंकल की कॉल थी। उसने तुरंत कॉल को आंसर करते हुए कहा, हेलो शर्मा अंकल, कैसे हैं आप? सुबह सुबह मुझे कैसे याद किया? कॉल की दूसरी तरफ से शर्मा अंकल ने कहा, अंजलि प्लीज कंपनी आ जाओ, वो एक शॉर्ट टूर के लिए मुझे कोई गाइड नहीं मिल रहा है। शर्मा अंकल की कही बात सुनकर मुक्ता एक पल के लिए उलझन में पड़ गई। उसने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, मुझे कॉलेज पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने शर्मा अंकल से एडवांस पैसे ले रखे हैं, उन्हें मेरी जरूरत है तो मुझे जाना ही होगा। कुछ सोचने के बाद एक नतीजे पर पहुंचकर मुक्ता ने कहा, ठीक है शर्मा अंकल, मैं 10 मिनट में पहुंचती हूँ। ये कहकर मुक्ता ने कॉल काट दी और ऑटो वाले से बोली, भैया अगले चौक से लेफ्ट ले लीजिए। अब मुक्ता के दिमाग में बस एक ही सवाल था, मेरी जगह लाइब्रेरी कौन जाएगा? एक तो कल ही मिहिर ने उस लड़की के साथ झगड़ा मोल लिया था, नहीं वो अकेला वहां नहीं रह सकता, मैं किससे कहूं? इसी सोच में अचानक से मुक्ता के दिमाग में किसी का ख्याल आया और उसने एक मैसेज टाइप किया। जब ऑटो कॉलेज का रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ गया, वरुण का यकीन गहरा हो गया। अच्छा तो ये मुक्कू कॉलेज नहीं कहीं और डेट पर जा रही है। कुछ गलियां पार करने के बाद फाइनली जिस ऑटो में मुक्ता बैठी थी वो रुक गया। वरुण ने भी अपने बाइक को ब्रेक लगाया और अपना चेहरा छिपाने लगा। मुक्ता ने ऑटो वाले को पैसे दिए और शर्मा टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी के ऑफिस के अंदर चली गई। जब वरुण ने देखा कि मुक्ता शर्मा अंकल के यहाँ गई थी, उसका मुंह बन गया। क्या ये लड़की यहाँ किसी काम करने वाले के साथ तो नहीं फंस गई? फिर भी मैंने माँ से कहा था कि इसे बाहर काम करने मत जाने दो। अब देखो ये मुक्कू हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही है। अभी अंदर जाकर देखता हूँ कि वो लड़का कौन है। वरुण ने अपनी बाइक पार्क की और ऑफिस के अंदर चला गया। अंजलि कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, वरुण ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। जब रिसेप्शनिस्ट ने उसकी कही ये बात सुनी तो वो वरुण से उल्टा सवाल करने लगी, क्या आप उनके टूरिस्ट हैं? उस रिसेप्शनिस्ट का ये सवाल सुनकर वरुण का मुंह बन गया। वो उसे बताने ही वाला था कि अंजलि उसकी बहन थी, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और उस रिसेप्शनिस्ट के सवाल पर हामी भर दी। रिसेप्शनिस्ट ने ज्यादा सोचे बिना कहा, अंजलि अभी अभी ही आई है, वो कैंटीन में होगी, कैंटीन उस तरफ है। रिसेप्शनिस्ट ने जिस तरफ इशारा किया था वरुण उस तरफ जाने लगा। कैंटीन की तरफ जाते हुए वरुण ने मुक्ता की आवाज सुनी, बेबी क्या तुम मेरे साथ ये चॉकलेट शेयर नहीं करोगे? अपनी बहन को इस तरह इतराते हुए बात करते सुनकर वरुण का दिमाग घूम गया। उसकी आंखें अब गुस्से से लाल हो गईं। अब तो मैं मुक्कू के उस बेबी का मुंह तोड़ दूंगा। इसी वक्त शहर के दूसरे कोने में कोई और भी यही लाइन कह रहा था, ईशान मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मिहिर की गुस्से भरी आवाज RRSV कॉलेज की खामोश लाइब्रेरी में गूंज रही थी। जिस तरह के मिहिर के एक्सप्रेशंस थे, ये बताना कोई मुश्किल काम नहीं था कि वो ईशान को देखकर इतना इरिटेट हो गया था। ईशान हमेशा की तरह बहुत ही काम वाइब में था। उसने शांति के साथ मिहिर से कहा, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने यहाँ आने के लिए कहा था, क्या तुम्हें लग रहा है कि अपनी पढ़ाई और बाकी के काम छोड़कर मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करने में अपना वक्त बर्बाद करना चाहता हूँ? ईशान की कही किसी भी बात पर मिहिर को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुक्ता तो खुद यहाँ आना चाहती थी, तो फिर उसने मुझे बताए बिना अपना प्लान कैंसिल क्यों किया? और अपनी जगह पर किसी को भेजना ही था तो उसे इस नकचड़े ईशान के अलावा और कोई नहीं मिला, मिहिर ने तंग होते हुए मन ही मन में कहा। मिहिर को अपने ही ख्यालों में खोए हुए देखकर ईशान ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ वेव किया। अब जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी खुलने का टाइम हो गया है। अपनी ये बात कहने के बाद मिहिर के रिएक्शन का जवाब दिए बिना ही ईशान न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करने लगा। पास में दूसरा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मिहिर भी बाकी की किताबें अच्छे से ऑर्गेनाइज करने लगा।
काम करते करते ईशान की ओर देखते हुए मीर ने मन ही मन में कहा, ये डिटेंशन मुझे बाकी किसी तरह परेशान करेगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इस ईशान का मुंह देखकर मैं ऑलरेडी टॉर्चर फील कर रहा हूँ। बेचारा मीर मुक्ता के आने की और ईशान के यहाँ से जाने की नाकाम उम्मीद करने में बिजी था। दूसरी तरफ वरुण ने जब ये सोचा कि कहीं कैंटीन के अंदर चॉकलेट के साथ कुछ और तो शेयर नहीं हो रहा होगा, वो बेचैन होने लगा। उसने बेसब्र होकर कैंटीन का दरवाजा खोला। अंदर जो नजारा वरुण ने देखा उसके बाद उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुक्ता अपने घुटनों के बल बैठे किसी बच्चे को चॉकलेट खिला रही थी। अचानक से वरुण को देखकर मुक्ता के साथ साथ वो छोटा बच्चा भी शॉक था। क्या मुक्कू इस छोटे बच्चे को बेबी कहकर पुकार रही थी, लेकिन मुझे तो लगा कि, वरुण ने मन ही मन में कहा। उसके वहां आने के इरादे से अनजान मुक्ता ने वरुण से सवाल करते हुए कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब वरुण की बोलती ही बंद हो गई थी। उसने कुछ सोचा और मुक्ता से झूठा बहाना बनाते हुए बोला, मुक्कू वो मैं पास ही में आया था तो सोचा कि देख ही लूं कि तू कहाँ काम करती है। वैसे तो मुक्ता को वरुण के इस जवाब पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या भाई यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आए हैं? एक मिनट, क्या उन्होंने मुझे मिहिर से बात करते हुए सुन लिया था? शायद इस वजह से ही वो मुझे फॉलो करते हुए यहाँ आए। अगर शर्मा अंकल का पोता यहाँ ना होता तो पता नहीं भाई ने किसे मेरा बॉयफ्रेंड समझ लिया होता। मुक्ता ने मिहिर के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा। जब मुक्ता वरुण से कुछ कहने ही वाली थी शर्मा अंकल कैंटीन में आ गए। अरे छोटू, कहीं तुम अंजलि दीदी को तंग तो नहीं कर रहे? शर्मा अंकल के आने से मुक्ता और वरुण का कॉन्वर्सेशन वहीं रुक गया। जब मुक्ता ने देखा शर्मा अंकल वरुण की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे तो उसने कहा, शर्मा अंकल ये मेरे भैया हैं और भाई ये मेरे बॉस हैं। इनकी वजह से ही मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ। मुक्ता की बात सुनकर शर्मा अंकल ने वरुण से हाथ मिलाया और बोले, अंजलि छोटू को मुझे दे दो और तुम ताजमहल का एक टूर कर लो, ज्यादा नहीं बस एक घंटे में तुम फ्री हो जाओगी। शर्मा अंकल की बात पर मुक्ता ने हामी भरी और छोटू को बाय कहकर वरुण के साथ बाहर चली गई। मुक्ता अच्छे से जानती थी कि सुबह जब उसने मिहिर को बेबी कहकर बुलाया था वरुण ने उसे सुन लिया होगा, इसलिए उसने अपनी बात को लॉजिकली प्रूफ करते हुए वरुण से कहा, मैं कॉलेज ही जाने वाली थी लेकिन छोटू ने मुझे गलती से कॉल कर लिया था, फिर शर्मा अंकल को भी एक अर्जेंट टूर ऑर्गेनाइज करना था तो इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया। वैसे भाई आप इस तरफ कहाँ आए थे? जिस तरह मुक्ता ने इनडायरेक्टली अपनी बात एक्सप्लेन की थी वरुण को सब कुछ सही लगने लगा। लगता है कि मैं जरूरत से कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूँ। ये मुक्कू पड़ाकू ही है और पड़ाकू ही रहेगी। इस पर डाउट करना अब मुझे बहुत बचकानी हरकत लग रही है, वरुण ने मन ही मन में कहा। फिर उसने मुक्ता की बात का जवाब देते हुए बहाना बना दिया। वो बोला, वो मैं मेरे दोस्त का नया शॉप देखने आया था, क्या तुम्हें कहीं छोड़ दूं? मुक्ता ने वरुण की बात पर ना मैं अपना सिर हिला दिया तो वरुण ने कहा, ठीक है मैं निकलता हूँ, तुम भी संभाल कर जाना और जल्द से जल्द कॉलेज पहुँचो। मुक्ता ने वरुण की बात पर हामी भरी तो वो वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर मुक्ता की सांस में सांस आ गई। ये भाई भी ना, पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। आज तो मैं छोटू की वजह से बाल बाल बच गई, अगर मैं कॉलेज में जा रही होती तो पता नहीं क्या हो जाता। छोड़ो यार, जल्दी से टूर खत्म करके कॉलेज के लिए निकलती हूँ, पता नहीं मिहिर का ईशान को देखकर क्या हाल हो रहा होगा। मुक्ता का फिक्र करना बिल्कुल जायज था क्योंकि RRSV कॉलेज की लाइब्रेरी में फिलहाल बड़ा ही गर्म माहौल था, जहां मिहिर उसके कॉलेज में होने के बाद भी इतने दिनों में पहली बार लाइब्रेरी में आया था।
ईशान लाइब्रेरी के हर कोने को जानता था। किसी भी किताब का नाम लेते ही वो किस रैक में कौन सी किताब के पास रखी हुई है ये भी ईशान आंखें बंद करके बता रहा था। आज बाकी दिनों के हिसाब से लाइब्रेरी में बहुत भीड़ थी क्योंकि कॉलेज के दो सबसे हैंडसम लड़के आज लाइब्रेरी में एक साथ काम जो कर रहे थे। सभी लड़कियां सिर्फ मिहिर और ईशान को देखने के लिए ही लाइब्रेरी में आ रही थी। उन सबको जो जो किताबें चाहिए थी उन्हें ढूंढने में मिहिर के पसीने निकल रहे थे, लेकिन उन लड़कियों के टॉर्चर तक ठीक था। जब डीन ऑफिस के पीएन को मिहिर ने वहां पर देखा उसका मुंह बन गया। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने आज कोई गड़बड़ नहीं की है, तो फिर पापा ने इसे यहाँ क्यों भेजा है? मिहिर की नजरों में दिख रहे सवाल को उस पीएन ने पहचान लिया। वो मिहिर और ईशान के सामने आकर बोला, डीन सर को आज का न्यूज़पेपर चाहिए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, ईशान और मिहिर ने सामने रखे अलग अलग न्यूज़पेपर उस पीएन के आगे बढ़ा दिए। जब मिहिर ने देखा कि ईशान ने कोई अलग ही न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ था, वो बोला, पापा ये नहीं पढ़ते। लेकिन ईशान कहाँ हार मानने वाला था, उसने कहा, सर यही पढ़ते हैं। मिहिर अब इरिटेट हो रहा था, उसने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, तुम बीच में ना ही आओ तो अच्छा होगा। अगर मैं कह रहा हूँ ये न्यूज़पेपर है तो यही है। मिहिर की वार्निंग के बाद भी ईशान ने अपना हाथ पीछे नहीं किया। अब मिहिर को गुस्सा आ गया, उसने ईशान के शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। आज ईशान भी चुप नहीं रहने वाला था, उसने मिहिर के दोनों हाथ पकड़ लिए। लाइब्रेरी में मौजूद सभी उनका वीडियो निकालने लगे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मिहिर ने कहा और अपना एक हाथ इस तरह उठाया कि वो ईशान को पंच करने वाला था। लेकिन अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़की को देखकर मिहिर ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन थी वो लड़की जिसने मिहिर को रोक लिया था? मिहिर और ईशान में से डीन को कौन बेहतर जानता था? क्या वरुण मुक्ता की कही बात पर पूरी तरह से भरोसा कर चुका था? जानने के लिए सुनते रहिए